वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। मैं अमित सूरज कंप्यूटर्स से आज आपको बताता हूँ अपने प्रिंटर्स में आपको प्रिंटर कौन खरीदना चाहिए। हमारे पास आपको आज हम एक रिव्यू करते हैं प्रिंटर 419 के बारे में। ये 1.5-2 साल पुराना प्रिंटर है, एचपी 419 इंक टैंक प्रिंटर होता है, ये विद वाईफाई होता है। इसका क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बता देता हूँ। एचपी 419 टैंक वाला प्रिंटर है, एक बार आप रिफिल करोगे इसमें 70 ml के आसपास इंक आती है। एक इसमें चार वो मैजेंटा, सियान, येलो, तीन कलर इसमें डलते हैं तो, और एक ब्लैक डलता है। तो ये आपका टैंक सिस्टम होता है, इसमें 70 ml के आसपास एक बारी में रिफिल होता है। उसमें हम कम से कम भी 4000 पेज निकाल सकते हैं एक बारी रिफिल करने से। ये वायरलेस प्रिंटर होता है, इससे आप फोन से भी ई प्रिंट भी दे सकते हैं और घर से वाईफाई के थ्रू भी इसमें प्रिंट दे सकते हैं। यूएसबी के थ्रू तो आएगा ही आएगा प्रिंट, एक बात ये। दूसरी बात, इसमें हेड लगे होते हैं। हेड क्या होता है, आप एप्सन में देखोगे तो उसमें हेड प्रिंटर में होते हैं, इसके हेड अलग होते हैं, तो इसलिए ये कॉस्ट एफिशिएंस भी होता है। इसकी कॉस्टिंग यदि हम मेंटेनेंस के बारे में इसकी बात करें तो इसका मेंटेनेंस और किसी इंक टैंक के मुकाबले बहुत कम होता है। इसके हेड चेंज करना बहुत इजी प्रोसेस होता है। इसमें इंक का फ्लैशिंग वगैरह का सिस्टम नहीं होता, जाऊंगे तो उसमें इंक फ्लैशिंग का सिस्टम होता है, उसमें इंक आपकी ज्यादा कंज्यूम होती है, इसमें इतनी इंक कंज्यूम नहीं होती है। ये प्रिंटर आपका स्पीड के मामले में भी अच्छा प्रिंटर होता है। पेपर पर मिनट में इसकी स्पीड अच्छी होती है, इसकी करीबन भी 8 से 10 पेपर पर मिनट करता है। एप्सन में यदि हम जाए या एचपी इंक जेट में हम यदि जाए तो उनकी पेपर पर मिनट 5 से 6 पेपर पर मिनट का स्पीड आता है। और आपका इसमें हम जाए पाइप के इसमें तो पाइप का फ्लो भी इसका अच्छा होता है। इसके पाइप फ्लो में इंक बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं होता है कि बैक मार जाता है, हमें देखोगे कि पाइप में इंक का फ्लो बैक मार जाता है, इसमें नहीं होता है। इसमें फिर हमको सिस्टम चलाना पड़ता है मेंटेनेंस में जाके, उसके थ्रू उससे हमारी इंक बहुत कंज्यूम होती है। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है ये, इसलिए आप देखोगे कॉस्ट एफिशिएंस भी बहुत अच्छा है। इसकी कॉस्टिंग प्रिंटिंग कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती है यदि हम किसी और प्रिंटर के तो इससे तुलना यदि इसकी करें तो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती है। इसमें एक और चीज है, इसका पेपर सेंसर जो होता है बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें पेपर सेंसर में यदि हमें कोई भी इसमें कि पेपर को हमने लगाया या नहीं लगाया, ये सब चीज को भी सेंस करने के लिए इसमें सेंसर लगा होता है। तो इसमें बहुत चीजें अपग्रेड करके दी गई है एचपी में, तो ये प्रिंटर बहुत ही अच्छा है। एचपी 419 का इंक टैंक प्रिंटर बहुत ही अच्छा, कॉस्ट इफिशियंस और स्पीड के मामले में कहीं में भी आप इसको देखो तो ये प्रिंटर बहुत अच्छे से काम करता है। और आप चाहो तो इस प्रिंटर को कहीं से भी आप इसको रिफर्बिश, हमारे सूरज कंप्यूटर्स पे ये रिफर्बिश प्रिंटर मिल जाते हैं। आपको चाहो तो आप सूरज कंप्यूटर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।